भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी गुना जिला सचिव मनोहर मिरोटा ने एक प्रेस नोट जारी कर कृषि बिल पर खुली बहस का चैलेंज दिया है। इस प्रेस नोट में उन्होंने कहा कि मैं मनोहर जिला सचिव भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी गुना ये खुला चैलेंज है कि भाजपा के मंत्री विधायक और नेता कृषि बिल के बारे में कुछ जानते ही नहीं है। यहाँ तक कि जो कृषि कानून केंद्र सरकार ने लागू किए हैं उनके नाम तक भाजपा के मंत्री विधायक नहीं जानते। मेरा खुला चैलेंज है बमोरी से विधायक और मध्य प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया जी को कि वो मुझसे जब चाहे जहां चाहे खुली बहस कृषि बिल पर कर सकते हैं। देखिए BSP 24 न्यूज से गुना संवाददाता उमेश राठौर की है खास रिपोर्ट। दोस्तों नमस्कार, मैं मनोहर जिला सचिव भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मैं खुला चैलेंज करता हूँ माननीय महेंद्र सिंह सिसोदिया मंत्री महोदय मध्य प्रदेश शासन और गुना जिले के जिला अध्यक्ष भाजपा के और गोपीलाल जाटव गुना के विधायक को कि वो कृषि कानून पर मुझसे खुली चर्चा करें, खुली बहस करें। अगर वो खुली बहस में ये सिद्ध कर देते हैं कि कृषि बिल किसानों के हित में है तो मैं अपनी राजनीति छोड़ दूंगा। मेरा खुला चैलेंज यह भी है कि माननीय महेंद्र सिंह सिसोदिया जी और गोपीलाल जाटव जी सहित तमाम उन भाजपा के विधायकों को और मंत्रियों को जो कृषि बिल लाए गए हैं उनके नाम तक याद नहीं है और लगे हैं कृषि बिलों का समर्थन करने के लिए। उन्हें तो यही पता नहीं है कि ये तीनों कृषि बिल तीनों कानून क्या है, पर चूंकि केंद्र सरकार ने उनके आकाओं ने बिल पास कर दिए तो उनका समर्थन करना उनकी मजबूरी है। पर मैं खुला चैलेंज करता हूं कि वो कहीं भी कभी भी कभी कहीं क्यों, मैं तो कहता हूं हनुमान चौराहे पर खुलेआम जनता के सामने एक डिबेट रखी जाए, मुझसे बहस करे और मुझे वो बहस में ये सिद्ध करे कि तीनों बिल उनके नाम क्या है और उनके किस प्रकार से किसानों के हित में। अगर वो ये सिद्ध कर देते हैं तो मैं राजनीति छोड़ करके जिंदगी भर उनकी गुलामी करूंगा। पर अगर वो सिद्ध नहीं कर पाए तो उन्हें भी भाजपा छोड़कर किसानों के साथ बीजेपी के खिलाफ किसान आंदोलन में शामिल होना चाहिए। मैं मनोहर गुना मध्य प्रदेश।